कर कुछ जाना था है? वो लड़की थी ना, मान लीजिए क्या क्या वो लड़की थी, कौन है वो? बहुत दो साल पहले का बात है, वो लड़की वो लड़का बात करते थे लोग, इसको पता लगा उसके पिता को है ना, उसको पिता का पता लगा तो ये बोला कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, मतलब करेंगे मतलब नहीं करेंगे बात। अगर आप धमकी दिया था कि बेटा आज के बाद तनको खबर लाग जाए कि तोरा के हमारे बाद ऐसे में ये कोई इनकर बूढ़ी सास सो ली तो ये जब तक कोई हम लड़की आके पलानी में ढुक जाती है, लड़की आके पलानी में ढुक जाती है जाननी, तब ये लोग मैंने कह लो तो कहलन की ठीक हम डांट दे, मान के चली जब रात अगर गलती है कहले रहो तो गर्जीवन के बुलाए के चाहिए, तू यही ना अपन बेटी कहे ना मुआ दलस, तू अपन बेटी मुआ ले बिया कहीं के बेटा मर जाए बेटी बाची राज करे खाती है। अब प्रशासन के में गलती भी की ना, प्रशासन तो बैठे बैठे रुपया लेता किया, सवेरे फोन करे कहलक कि जाई रह हमरे घर से मुआ दलस रोहिता के मार के तब रुक जा ना 6 बजे ना तो 9 बजे ला सुतो रही लो। अरे बाप रे दोनों आदमी जाना हां प्रतिमा ना हो ऊपर को ना आई जाने अरे बने पता ना कहां कह के आई ना लगे जय हिंद दोस्तों, न्यूज सच तक में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग सिवान सदर अस्पताल का जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पे हम लोग पहुंचे हैं। यहां पे कुछ महिलाएं चिल्ला रहे चीख रहे हैं, क्या कुछ हुआ है जरा इनसे हम जानेंगे। का है आप चिल्ला रहे, क्या हुआ बबुआ, क्या हुआ था, का है चिल्ला रही है? क्यों क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, जमीनी विवाद था ये, मतलब इसके घर के बगल में उसका जमीन है ना, वही मतलब वो छटवा रहा था मुझे लोग बुलाकर मजदूर को, ये मतलब माना कि ये लो ये भी कुछ बोल दिया शायद, मतलब होता है ना, तो उसको मतलब धमकी देकर गया था कि जान से मार देंगे बाबू हमसे बहुत। कौन धमकी देकर गया था? वही हंसनाथ, मतलब पांगा मतलब मत लेना हमसे, बहुत लोग से ही धमकी देता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है गाँव में, और वो मतलब अपने आप को बहुत वीर बनता है, चुप ना, और जान से मतलब अपने जाने से मतलब जान से नहीं छोड़ा था, और 2 बजे रात में शायद कि मतलब 2:30 बजे मतलब कि ये कहने का 12 बजे ले गया शायद, मतलब पलानी में से उसको मुंह दाब कर कैसे ले गया चप्पल वहीं पर है, जान से मार दिया है और थाना में दे दिया था, थाना वाला मतलब हॉस्पिटल में से भगवानपुर सरकारी अस्पताल में था, वहां से रेफर किए लोग कि 10 मिनट के अंदर में अगर नहीं पहुंचा तो बच्चा मतलब नहीं बचेगा, मलमलिया के उधरे ही लड़का मतलब मर गया, तो हम कहे कि नहीं ले चलो शायद उम्मीद थोड़ा भगवान भरोसे पर, नहीं वो जान से मार दिया था। कहाँ आप लोग का घर कहाँ है? कौरिया टोला लीले। मित्र का क्या नाम है? रोहित कुमार। जमीनी विवाद का झगड़ा था? वही तो थोड़ा मतलब दुश्मनी तो होता तो हमेशा होता है यार, मतलब इससे पूर्व भी आप लोग से झगड़ा हो चुका है? वो मतलब पहले मतलब बहुत अच्छा हित भी था उसको, बहुत संगे हाला गुला भोई रहे। अच्छा तो अब मान के चले कि का भोई लग, मतलब वो हरदम करते रहता है, वो जमीने के लिए करता है जब है, तो आप लोग कभी थाना वगैरह का दिक्कत है मतलब? थाना वाले नहीं खेल लो दे ले, बोले तो भी थे कि तुमको इतना जमीन का दिक्कत है तो जितना रुपया तुम लेते हो ले लो, हमको ही देखो मतलब इसी हाथी छोटा सा जमीन के लिए झगड़ा करते हो हरदम, तो का दिक्कत है हमको दे दो जितना पैसा लगेगा तुम ले लो भाई, तो वह नहीं उसी जमीन के लिए करना, किस बात का बदला हमेशा हम लोगों से लेता रहा है। और कितना जमीन था वो? आई बर्चा मान मान लीजिए हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे, शायद 1 कट्ठा होगा 2 कट्ठा हम क्या जाने, मतलब 8 के लिए 1 इंच जमीन के, बिहार में यही नियम है 2 इंच झगड़ा के लिए मर्डर हो जा रहा है आजकल। मेरे घर के बगल का है, मैं इसका दोस्त हूँ, हमेशा एक साथ ही हम दोनों रहते हैं। आप उनके भाई हैं? जरा इधर आइए, क्या हुआ था जरा एक बार बताइए। वो जमीन के लफड़ा में बोला मार दिया इसको मेरे भाई को, जमीन के लफड़ा में। हाँ। कौन मारा? वो हंसनाथ। हंसनाथ कितना जमीन का मतलब झगड़ा? हंसनाथ और मेघनाथ महतमाना है, दो भाई, दो मिल मिल कर कितना जमीन का लफड़ा था मतलब उसका जमीन है, मतलब क्या बताएं आप एक बात को, हजार जो जमीन था वो कितना जमीन था, अब वो कितना था हमको पता नहीं, हमको नहीं पता, जो रेडी आप काटिएगा तो कोई आप देख सकते हैं मृतक की बॉडी पड़ी हुई है अभी अभी सदर अस्पताल में, और यहाँ पे जो उनके परिजन है उनका कहना है कि महज 1 कट्ठा जमीन के लिए ही वो गांव के ही थे हंसराज महतो।
गांव के ही हंसराज महतो नामक व्यक्ति ने, हंसनाथ नामक व्यक्ति ने इस व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। अच्छा, आप लोग कितने देर से यहाँ अस्पताल में आए हुए हैं? अभी तो आए, मतलब 6:30 बजे आए हैं। थाना छोड़ी नहीं रहा था। अच्छा, पुलिस वाले आप लोग वहाँ से नहीं छोड़ रहे थे? हम कहे कि हमको दिख, पुलिस वाला के बात सुनी, जब हम गए नहीं है वो जब भगवानपुर थाना में, तो कहने तो लड़का की स्थिति देख लेनी है, तो कहने की लड़का बेहालत मरण, तो ये देख लन कि मामी आ गल बारी, तो बाई का झोंक में से उठ के आ हियां से हुआले भाग के अइलन, भाग के लन कि मामी हमरे के बचा ल, हम ना जीएम, तो कहने के अच्छा आवत नहीं है बाबू, तब तक ले देखी वो जो, तब तक ले पुलिस दौड़ के गइल ख, आ पुलिस जाके इनका के धले लख, आ वहां से हुआले घिसियात ले गल ख, तब पता का कि ये सही है, हम नहीं छोड़ेंगे, अब हाथ में हाथ करी लगौल ख, तो कहने की लड़का सीरियस मैटर में बा, जल्दी ले चली अस्पताल में, कहत कि ना जीएम, तो लेके गइल ख वो जब, कि अभी तो दौड़त रह ख, आ रात से कहत हम ना जीएम, ना जी कौन, तो फिर लेके हमनी का संग संग गइल ख, तो फिर कुछ नहीं के बाद नौटंकी कइले बा, आ ओकरा बाद जान तनी, फिर जब हमनी गइनी है संग एथे अस्पताल लेके, अस्पताल जात रहनी है हम लोग के हाथ में, एक मिनट जरा रोकी ना, अस्पताल में जब इनका के हम लेके जात रहनी है, तो कहनी का कि छोड़ी लो, हम जरे जरे चलता नहीं, रौरे लोग पर सौंप देता नहीं, हम जरे जरे चलता नहीं, तब जाके हमरा संग गइल, हम कने कुछ होई तो रौवे लोग बुझम, तब लेके गइल हलो, तब फिर ओजवा से भेजत रह, कि जल्दी जा बारा बाबू से पूछ के रेफर करता रह, फिर बारा बाबू के लगे गनी, तो बारा बाबू लिखवा ले सब कुछ हमनी के ना हो, आ कि तुम लोग पर जिम्मेदारी हम दे देते हैं, आ जब बोलाएंगे तब हाजिर हो जाएंगे, जब वो लोग देख लो कि डॉक्टर बताले बा कि लड़का सीरियस मैटर में बा, आ चाहे 2 बजे रात के जब पकड़ के लिए आई बा, तो सोचे के चाहे ना थानों के कि इसका गौर जीवन कौन है, चाहे हम लोग के पास वो लोग फोन करना चाहिए, चाहे हम लोग के बुलाना चाहिए, तो नहीं हम लोग का नहीं बुलाया, फिर वही लड़की फोन किया सुबह, कौन लड़की? जो प्रतिमा हसनाथ का बेटी, वही फोन किया था कि से वो रोहित को मार दिया है, मार को ले गया हॉस्पिटल, उसका बहुत सीरियस मैटर है, तब पूरा लोग जान लो। हंसनाथ जो व्यक्ति है जिन पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनको मार दिया, उनकी बेटी के द्वारा फोन किया गया? हाँ, उनकी बेटी के द्वारा फोन करके आपको क्या बताया कि वो के बहुत सीरियस मार दे बा, वो लड़किया फोन कर लखे ना, तो ये लोग खोजित लो कि कहाँ गई कहाँ ना, जाना नहीं, जैसे 4 साल पहले कुछ ये लोग मैटर रहे, बात जोन बताया पतन बता दिए, लड़का लेके शादी तो वो एगो बूढ़ी माँ सोती है घर में, रो रो चल चल, हम रो रो के दुआर पर बुला, नंबर दे दिलो अपन, तो एगो इनकर बूढ़ी सास सोली, तो ये जब तक कहन तो लड़की आके पलानी में ढुक जाती है, लड़की आके पलानी में ढुक जाती है जाननी, तो ये लोग मैंने कहलो तो कहलन की ठीक है हम डांट दे, मान के चली, जब रात अगर गलती है कहले रहो तो गर्जीवन के बुलाए के चाहिए, तू यही मन अपन बेटी कहे ना मुआ दल, तू अपन बेटी मुआ ले भी कहीं के बेटा मर जी, बेटी बाँची राज करे खाती है, आ प्रशासन के में गलती भी की ना, प्रशासन तो बैठल बैठल रुपया लेता, प्रशासन कुछ जाना तभी, वो लड़की थी ना, मान लीजिए क्या क्या वो लड़की थी, कौन है वो? बहुत 2 साल पहले का बात है, वो लड़की वो लड़का बात करते थे लोग, इसको पता लगा उसके पिता को, है ना, उसको पिता का पता लगा, तो ये बोला कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, मतलब करेंगे मतलब नहीं करेंगे बात, अगर आप धमकी दिया था कि बेटा आज के बाद तनको खबर लाग जाये कि तोरा के हमारे बाद में, ऐसे में उस दिन परसों जवानी भी मतलब जमीनी विवाद हुआ, 2 दिन परसों हुआ, 2 दिन बाद कहने बेटी के हाथे बुलवाया कि वो खुद पकड़ के ले गया, खुद बुलवाया, ये सब हमको मालूम नहीं है भाई साहब, पहले बात करता था, अब नहीं करता, कंफर्म है कि अब नहीं करता था, पता नहीं फिर कॉल करवाया होगा चार्ल्स से कि मतलब अपने बेटी को कैसे भी, आजकल तो ऐसा होता है कि बुलवा लेता है, मरवा देता है, मना किया प्रेम प्रसंग का? अब देख सकते हैं पूरे तरीके से जो ये घटना है, प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, प्रेम प्रसंग में बीते 4 साल से जो हंसनाथ नामक व्यक्ति थे उनके बेटी से इस युवक का संपर्क था, और ये जो मामला अभी तक सामने आ रहा है, इस परिजनों के कहने के मुताबिक ये पूरे तरीके से मामला प्रेम प्रसंग का है, प्रेम प्रसंग के दौरान ही इस युवक को बुलाया गया है फोन करके घर पे, और वहाँ पे इसे इस तरीके से बुरी तरीके से पीटा गया, जिस तरह पीट पीट कर इसे मौत के घाट उतार दिया गया, हालांकि जब परिजन ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से चोट लगा हुआ है, और हाथ भी, जी 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 बताइए, मतलब वो लड़की थी ना, मतलब 2 साल पहले इन लोगों का मीटर पता चला था, तो धमकी दिया था कि बाबू आज के, थोड़ा गुंडा टाइप के है भी, बाबू आज के बाद थोड़ा भी भौनक लागी तो तुरा के हम ट्रक से कुचाल दे, उसका 2 ट्रक है, तो इससे इसको समझाए थे बाबू कुछ भी हो जाए, हमारा दोस्त था बहुत अच्छा लड़का था, मतलब लड़का हर कोई कौन है आजकल लड़का नहीं बात करता, आप ही बताइए, आप होंगे चाहे हम होंगे, बट वो लड़की तरीके से आप सारे लोगों पे एलिगेशन नहीं लगा सकते, सुनिए ना पहले, तो वो बात करना छोड़ दिया था, तो जब परसों जमीनी विवाद हुआ ना, तो ये पता नहीं लड़की के बहाने बुलाया है कि कहीं ने कैसे बुलाया है,
बट इसको चप्पल वहीं पर है, हमको कंफर्म है कि मुंह दाब कर ले गया है, नहीं तो लड़की बुलाई होता तो भोलाई होती तो ये सब अच्छे से गया होता, लड़की बुलाई होती तो लड़की मतलब इससे मतलब इसको चाहती थी शादी भी करना चाहिए, इसीलिए लगता है सुबह लड़की फोन करके और कही मतलब कही कि मेरे पापा मार दिए है, जान से मार दिए है, आप लोग आइए पहचान। के पास कुछ सबूत है कि वो लड़की आप लोग को फोन करके बुलाई? दूसरे लड़के मेरे भाई के पास दोस्त है, नंबर वंबर सब है, रिकॉर्डिंग भी फोन था उसका, फोटो भी है यार साथ का सब। आप लोगों ने कभी मना नहीं किया कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए इन अपने पास? लड़का है कि एक बार मना कर दीजिए, कुछ नहीं करता था, दो साल में एक बार भी उसके पास ताका भी नहीं है, एक बार जानिए कन्फर्म है जमीनी विवाद की तरह। परसों आज बताइए, परसों जमीनी विवाद हुआ दो दिन बाद कैसे जान समय, परसों धमकी दिया था, देखिए ना यही जमीन है, आपको क्या बताए, धमकी भी दिया वो कि बेटा आज बहुत गलत आदमी से पंगा ले ले बारे, ऐसे कह कर गया था। आप रिकॉर्डिंग आप लोग को जब इस तरीके से धमकी गया तो आप लोग प्रशासन को बोले थे कि इस तरीके का धमकी दिया जाए आप लोग को? वो धमकी बहुत लोगों को देता है, बट नहीं पता था कि इसको मरवा देगा, वो धमकी देखिए इसी जमीन के लिए, ये जमीन आपको दिख रहा है, देखिए ये देखिए इसमें देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, वो धमकी दिया था मतलब अलग सुता है प्लानिंग में, हमको हम इसमें बोले कि देखो पास में तो मेरा भाई का छापरा का इलाज चल रहा है, छापरा कौन मतलब उसका मतलब दवा चलता है, तो दवाई खाता है तो उसको मतलब इतना जोर से नींद लगता है कि उसको कुछ नहीं होती होता है, तो घर में से इसको ले गया है मतलब इस पलानी में सोया है। प्रशासन से अब आप लोग की क्या मांगे रहेगी? प्रशासन से क्या मांगे रहेगी? अच्छा था तो लड़का के पास आज तक न्याय किया है आप बताइए ना, ये बताइए जिससे जान चल जाता है प्रशासन जान लिया कर देता है उसको, बहुत खिसी आता है तो 20 साल का जेल करता है, 25 साल का जेल करता है, फिर तो छोड़ देता है प्रशासन, जान का बदला जान लेता है, नहीं लेता है, ये आप देखे सुनिए ना, 10 जान ले लेते हैं 20 साल सजा होता है, आप जान थोड़ी आई लौट के दो। आप लोग की प्रशासन से क्या मांगे? हम लोग का अब उसका घर के लोग के आने दीजिए, क्या मांगेगा नहीं मांगेगा, यानी इनके परिजन अभी घर के लोग नहीं आए, नहीं आए, इसको आप लोग की क्या मांगे हैं? अच्छा ये मेंटली डिस्टर्ब है, इनको मतलब बोलने आ रहा है, वही आएगी तो बताएगी सब बात, बाकी क्या है इसका घर में चला। आप लोग कितने देर से यहाँ पे पड़े हुए हैं? एक घंटा में अब तक जो अस्पताल प्रशासन है उनके द्वारा कुछ पूछा गया कि नहीं किया? आप लोगों को कोई पूछने तक नहीं? पर्ची यहाँ का पर्ची जो मिला था वही प्रशासन लिए है, पूरा पब्लिक जुटा हुआ, बाकी पुलिस में क्यों नहीं? आप लोग ये बतौर पर्ची भी कटवाया है, मतलब यहाँ का पर्ची था ना वहाँ का था भगवान, यहाँ का पर्ची हम लोगों को नहीं दे रहे थे, प्रशासन ले लिया कि हम मतलब ऐसी करेंगे पोस्टमार्टम करेंगे और करेंगे, तो घर वाले आएंगे तब ना पूछ कर पोस्टमार्टम कराएंगे क्या कराएंगे। क्या पोस्टमार्टम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि जैसा होगा करवाएंगे पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ेगा पोस्टमार्टम का ना, समझदार लोग मतलब आ रहे हैं, हमारे पापा आएंगे मतलब भाई आए, प्रशासन में सब गलती बा, क्या कह रही है मारे है तो दोनों को मार देते कि झगड़ा कैंसिल हो जाता, झगड़ा कैंसिल हो जाता दोनों का। ये देख सकते हैं इन परिजनों का कहना है कि अब तक प्रशासन के द्वारा भी कोई ठोस कदम नहीं लिया गया, हालांकि क्या कुछ जानकारी है इनका भी परिजन आ रहा है, उसके बाद हम अब तक तब तक आपको अपडेट देते रहेंगे। मामला प्रेम प्रसंग का है ये लोग।